नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मय प्रथमे देखिबा हेडलाइन्स गृहरे उठिला हाजत मृत्यु प्रसंग प्रसंग उठाइले विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक बाचस्पतिंक रूलिंग दाबी पुरी हाजत मृत्यु मामला बदलिले पुरी एसपी अखिलेश्वर सिंह हेडक्वार्टर बदली संबलपुर एसपी के विशाल को पुरी एसपी भाव नुआ दायित्व सेपटे वीरमित्रपुर आईएसी निलंबित पुणी पुरी आसला लोमटांकुरा घटना पिपिली हाजत भितरे थर्ड डिग्री सात दिन धरी निर्धुम पिटिले पांच अभियुक्त संकटापन्न अवस्था शिविर स्थानांतर गजपति में अबाध गंजे चाष बिमानपुर जंगल में 51 एकर जमि में चाष बेले पुलिस चढ़ाऊ एसपी निर्देश क्रमे पुलिस और वन विभाग मिलित चढ़ाऊ 10 कोटी अधिक मूल्य गंजे गछ नष्ट अनुगुल किशोरनगर में तहसीलदार चाषी को उद्भोस कर घटना न्याय नमिबारु कोर्ट को द्वारस्थ हेले चाषी अभियोग पर भी मामला रुजु न होबारु उठाइले प्रश्न दिल्ली में कोरोना स्थिति असंभाल दिनकरे 118 जन मृत्यु आरंभ होला डोर टू डोर सर्वे 57 लक्ष लोकों तथ्य संग्रह कर स्वास्थ्य विभाग महामारी रे महा ठके एसएससी ग्रुप नारे लक्ष लक्ष टंका चलो ब्रह्मगिरी रे निरीह महिला टंका हरिलुट सभापति और संपादिका नारे आसला सांघातिक अभियोग शेषे कोरोना योद्धा को ठकीदे राज्य सरकार अपमानित करी कामरु छटे शीत काकर को नाही खातिर हक पाए राजरास्तार एनएमए कर्मी संपूर्ण खबर आज विधानसभा शीत अधिवेशन द्वितीय दिन हाजत मृत्यु नहीं सरगरम हो गृह प्रसंग उठाई विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक एने बाचस्पति रूलिंग दावी करते विरोधी दल नेता राज्य में बिगुड़ी आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं बीजेपी पक्ष मुलतवी प्रस्ताव आगत करपटे कांग्रेस भी समान प्रसंग में आलोचना प्रस्ताव दे तेज संपर्कित तो अधिक तथ्य पर आम सहित तो सीधा सड़क जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य जानवा चाहिए वर्तमान गृह किपर चलती जानवा चाहिए आज द्वितीय दिन अधिवेशन शीतकालीन अधिवेशन आज द्वितीय दिन गृह किपर चलती देखो चिन्मय निश्चय आज द्वितीय दिन गृह कार्य आरंभ स्वाभाविक थिला किंतु विरोधी नेता प्रदीप्त नायक प्रसंग उठाई जो हाजत मृत्यु होती गोटे दिन में दुई दुईट हाजत मृत्यु प्रसंग किभली राज्य में सामना को आसला और सीधा साल पूरी एसपी को जो भाई बदली कराला विरोधी नेता दावी करते विरुद्ध दृष्टांतमूलक कार्यक्रम निया केवल बदली नुह से कही पूरी एसपी निर्देश जन को उठाई निगला बर्बरचित भाव थाना थर्ड डिग्री दिगला हत्या कर दिगला जो मैंने परिवार को बिना शवदाह करागला जो मैंने देखिले से ब्रह्मगिरी थाना को आनी बंधक रखाला एभली स्थित राज्य उपजी कहीं मुख्यमंत्री जवाब रखुना कहीं गृहराष्ट्रमंत्री जवाब रखुना बाचस्पति ध्यान आकर्षण करते बाचस्पति सबू प्रसंग को बर्तमान बंद कर केवल हाजत मृत्यु और राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति जो भाई बिगिर चलती से आलोचना कराचस्पति दृष्टि आकर्षण करते अंपटे कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र कहते राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण विपर्यस्त रही पुलिस प्रशासन किसी कम करना ना सरकार किसी करते बड़े लोक समस्या रोचा से समस्या समाधान होना जानते आप ओएचआरसी जो पदवी बर्तमान खाली रही से प्रसंग में नरसिंह मिश्र सरकार दृष्टि आकर्षण करते कहीं राज्य ह्यूमन राइट कमिशन जो पदवी खाली रही सरकार कहीं पूरण करना से विषय प्रश्न करते अंपटे आउ दुईट प्रसंग गृह उत्थापन करते विरोधी नेता गोटे प्रसंग होती पटनागढ़ जो गोटे पर छह जन को हत्या कराला ताद्वारा किभ राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति बर्तमान अच्छी से स्पष्ट अनुमान करहली विरोधी नेता कही अंपटे आप जानते कलाहां जिले में जो भाई भाव में पक्का घर जोगाई देवा ना सरपंच जन को रिलेसन रखा बाध्य करते से प्रसंग गृह रखी थे विरोधी नेता और कही सरकार यही सब प्रसंग ध्यान दिंतु किभली भाव राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़ चलती सरकार ध्यान देना जोपाई दिन दिन जो रही चोरी डकायती कि जो रही अपराधी सेमानकर गोटे प्रकार कहीपर मनोबल बढ़ुच्ची से माने अपराध भेजापी डरू ना पुलिस प्रशासन सठिक कार्यक्रम ना जो कार्यक्रम जो लोक मैंने निरीह लोक मैंने कार्यक्रम निया प्रकृत अपराधी खसी जाते तेज शासन
ଶାସକ ଦଳର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନେତା ଏହାପରେ ଗୃହରେ ବିବୃତି ରଖିବେ ସେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଶାସକ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେ ଉପରେ ବିବୃତି ରଖିବେ। ଚିନ୍ମୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିପିଲ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଖବର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଁଠା ପଲ୍ଲୀରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ୍ବି ତୋପାନ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। PDPU is a child of your vision to make India Atmanirbhar in energy education and research. You envisaged that Gujarat should have a world-class energy university. Today, we are proud to report to you that in just 14 years, PDPU is ranked among India's top 25 innovative institutions. This has been possible only because we have received your blessings, your support, and your guidance at every step of this exciting journey. We assure you that after national rankings, PDPU will earn a place in the global rankings. Today, we give you another assurance. PDPU is ever ready to be at the service of the nation at a time when your energetic and visionary leadership is steering a new India to become a global superpower in green and clean energy. Honorable Prime Minister, may I now request you to unveil the new facilities of PDPU. Pandit Deendayal Petroleum University is honored to have new facilities inaugurated. Pandit Deendayal Petroleum University is honored to have new facilities inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. 45 megawatt production of monocrystalline solar photovoltaic panel. This production line will demonstrate the process of cell to panel integration, lamination and EL testing. This will be the first demonstration of manufacturing capability of 45 megawatt SPV modules through Academia Government Partnership. This infrastructure will directly execute capacity building programs in the area of technology development, production management and finance management for solar production and will showcase benchmarking for the best practices in the domain. This facility will boost job opportunities in production sector and also increase research and innovation footprints for indigenous technology in promoting Make in India and Startup India initiatives. PDPU Innovation and Incubation Center. PDPU Innovation and Incubation Center is recognized as nodal institute by the Government of Gujarat and Technology Business Incubator by Department of Science and Technology, Government of India. Presently, the center has filed 50 plus IPRs, incubated 100 plus startups, and raised rupees 6 plus crore of funds to support them. IIC is ranked in the category of top 25 incubator under Atal Innovation and Incubation Ranking 2020. The center offers a favorable ecosystem to enhance the innovation capacity of the startups, enable SMEs and MSMEs to create path-breaking technology-based products and markets, augmenting job creation and strengthening the clarion call of worker for local. Sports Complex. To contribute to the Swasth Bharat Abhiyan,
PDPU has developed an ultra-modern sports complex to develop a healthy individual, a healthy family, and a healthy society with a power of endurance, discipline, and teamwork. With the generous support of Sports Authority of Gujarat under the Urban Infrastructure Scheme, the center is developed over 15 acres and provides all indoor and outdoor sports infrastructure facilitated by expert coaches. The PDPU Sports Complex will open up for state and national talents without any cost. Indo-EU Bilateral Project under Horizon 2020, India H2O for industrial waste and desalination. PDPU, in response to the United Nations call for sustainable development goals for clean water and sanitation, will design, develop, and demonstrate high recovery, low cost water treatment systems for saccharine groundwater and wastewater with the support from European Union under Horizon 2020. Pilot small scale 5,000 to 50,000 litre per day, rurally relevant, low cost systems for brackish groundwater treatment provides safe drinking water at costs below 30 rupees per 1,000 litres, reaffirming PDPU vision of contributing to the societal impact. Translational Research Centre. Translational Research Centre, a 50 crore multi-storey facility, will be the hub for effective translational of research and innovative ideas into sustainable solutions in the areas of energy, health, water and climate change. TREC will facilitate multidisciplinary interactions pertaining to all the 9 verticals of Industry 4.0, namely augmented and virtual reality, additive manufacturing, artificial intelligence, industrial IoT, big data, cyber physical systems, cyber security, data science and nanotechnology. Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, it is now my proud privilege to request you to deliver the convocation address. All of us are eagerly waiting to be inspired and guided by your leadership. Namaste. ગુજરાતમાં નવું વર્ષ છે એટલે સૌથી પહેલાં તો સૌ ગુજરાતવાસીઓને નવા વર્ષની અનેક અનેક શુભકામનાઓ. ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી, પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સ કે ચેરમેન શ્રી મુકેશ અંબાણીજી, स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन श्रीमान डी राजगोपालन जी, डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर एस सुंदर मनोहरन जी, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स और मेरे सभी युवा साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई. जो साथी आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज देश को आप जैसे इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं. आपको बधाई आपके परिश्रम के लिए. आपने जो इस यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए और शुभकामनाएं नेशन बिल्डिंग के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं उस नई मंजिल के लिए, नए सफर के लिए. मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे. आज
पीडीपीयू में जुड़े 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। ये नई सुविधाएं पीडीपीयू को देश के एनर्जी सेक्टर का ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक अहम सेंटर बनाने वाली है। साथियों, मैं बहुत शुरुआत काल से इस यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूं और इसलिए मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज पीडीपीयू देश नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी एक जगह बना रहा है, अपनी एक पहचान दर्ज करा रहा है। मैं आज यहां चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं, और कभी मुझे जब गुजरात में गेस्ट शब्द आता है तो थोड़ा अटपटा लगता है, और इसलिए मैं चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि आपके इस महान संकल्प का जो परिवार है उस परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपके बीच आया हूं। और मुझे ये देखकर बहुत गर्व होता है कि यूनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे चल रही है। एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहां के स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने, यहां से निकले प्रोफेशनल्स ने अपने कर्तृत्व से इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। बीते 1.5 दशक में पीडीपीयू ने पेट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम और अन्य क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है, और पीडीपीयू की प्रगति देखते हुए आज मैं गुजरात सरकार को भी अनुरोध करता हूं कि जब मैं इस काम पर शुरू में सोच रहा था तब मेरे मन में था कि एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, क्योंकि गुजरात पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अब जिस प्रकार से देश और दुनिया की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने अपना रूप लिया है, मैं गुजरात सरकार से आग्रह करूंगा कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बजाय, अच्छा होगा, अब इसको हम एक एनर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें उसका नाम, क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है। और आप लोगों ने इतने कम समय में जो कमाया है, जो देश को दिया है, शायद एनर्जी यूनिवर्सिटी इसका विस्तार बहुत बड़ा लाभकर्ता देश को होगा। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कल्पना मेरी ही थी और आज मेरी ही कल्पना का विस्तार करते हुए मैं पेट्रोलियम की जगह पे पूरा एनर्जी सेक्टर को इसके साथ जोड़ने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। आप लोग विचार कीजिए, अगर ठीक लगता है मेरा सुझाव तो उस पर देखिए। यहां स्थापित होने जा रहे 45 मेगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी, देश के लिए पीडीयूपीयू के लार्जर विजन को भी ये प्रकट करता है। साथियों, आज आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकल करके इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जब पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में आज भारत में
एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। इस दशक में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अवसर ही अवसर ही अवसर है। साथियों, आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये हैं कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें भी आप सभी के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। इस सेक्टर के आप जैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेष फंड भी बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई कंसेप्ट हो जिसे आप इंक्यूबेट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए एक बेहतरीन अवसर भी है, एक सरकार की तरफ से तोहफा भी है। वैसे मुझे एहसास है कि आज जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं तो थोड़ी चिंता भी होगी। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना का समय है, पता नहीं कब सब ठीक होगा, और इनमें से आपके मन में जो चिंताएं आती हैं वो स्वाभाविक भी हैं। एक ऐसे समय में ग्रेजुएट होना जब पूरी दुनिया इतने बड़े संकट से जूझ रही है, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपकी ताकत, आपकी क्षमताएं इन चुनौतियों से भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। इस विश्वास को कभी खोना मत। प्रॉब्लम्स क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपका पर्पज क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है और आपका प्लान क्या है। और इसलिए ये जरूरी है कि आपके पास एक पर्पज हो, प्रेफरेंसेस तय हो, और उसके लिए बहुत ही परफेक्ट प्लान भी हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में पहली बार किसी कठिनाई का सामना कर रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये चुनौती भी आखिरी चुनौती होगी। ऐसा नहीं है कि सफल व्यक्तियों के पास समस्याएं नहीं होती, लेकिन जो चुनौतियों को स्वीकार करता है,
जो चुनौतियों का मुकाबला करता है, जो चुनौतियों को हराता है, समस्याओं का समाधान करता है, आखिर जिंदगी में वो ही सफल होता है। कोई भी सफल व्यक्ति देख लीजिए, हर कोई चुनौतियों से मुकाबला करते ही चल पड़ा है। साथियों, अगर आप 100 वर्ष पहले के समय को याद करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आज मेरे देश के नौजवान उस कालखंड को याद करें 100 साल पहले, आज हम 2020 में हैं। सोच लीजिए 1920 में जो आपकी उम्र का था, या 1920 में जो आपकी उम्र का था, आप आज 2020 में उस उम्र के हैं। 1920 में जो आपकी उम्र का था उसके सपने क्या थे? 1920 में जो आपकी उम्र का था उसका जज्बा क्या था, उसकी सोच क्या थी? जरा 100 साल पुराने इतिहास पर नजर करें, याद करेंगे तो 1920 से शुरू हुआ समय भारत की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। वैसे तो आजादी की लड़ाई गुलामी के कालखंड में कोई साल ऐसा नहीं, कोई इलाका नहीं कि आजादी का जंग लड़ा न गया हो। 1857 का जंग, स्वातंत्र संग्राम एक विशेष टर्निंग पॉइंट बना, लेकिन 1920 से लेकर के 1947 का जो समय था वो बिल्कुल ही अलग था। हमें उस दौर में इतनी घटनाएं दिखती है, देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, यानी पूरे देश का बच्चा बच्चा, हर तबके के व्यक्ति, गांव हो, शहर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई आजादी के जंग का सिपाही बन गया था। लोग एकजुट हो गए थे, खुद के जीवन के सपनों को लोगों ने आहूत कर दिया था और संकल्प लिया था आजादी का। और हमने देखा है कि 1920 टू 1947 तक की जो युवा पीढ़ी थी, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज कई बार हमें तब की युवा पीढ़ी से ईर्ष्या भी होती है। कभी मन में होता होगा काश मेरा जन्म भी 1920 और 1947 के कालखंड में होता, मैं भी देश के लिए भगत सिंह बनकर के चल पड़ा होता। ये आपके मन में भी होता होगा, लेकिन दोस्तों हमें उस समय देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, आज हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। उस समय के नौजवान भी अपना सब कुछ देश के लिए अर्पित करके सिर्फ एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, और लक्ष्य क्या था? एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। और उसमें कई धाराएं थी, अलग अलग विचार को लेकर लोग थे, लेकिन सब धाराएं एक ही दिशा में चल रही थी, और वो दिशा थी मां भारती की आजादी। चाहे महात्मा गांधी का नेतृत्व हो, चाहे सुभाष बाबू का नेतृत्व हो, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नेतृत्व हो, चाहे वीर सावरकर का नेतृत्व हो, हर कोई, धाराएं अलग अलग होंगी, मार्ग अलग होंगे, रास्ते अलग होंगे, लेकिन मंजिल एक थी, मां भारती की आजादी। कश्मीर से लेकर के काला पानी तक, हर काल कोठरी में, हर फांसी के फंदे पर से एक ही आवाज उठती थी, दीवारें एक ही बातों से गूंजती थी, फांसी की रस्सियां एक ही बात से सुशोभित होती थी, और वो नारा होता था, वो संकल्प होता था, वो जीवन की श्रद्धा होती थी, मां भारती की आजादी।
मेरे नौजवान साथियों, आज हम उस दौर में नहीं है, लेकिन आज भी मातृभूमि की सेवा का अवसर वैसा ही है। अगर उस समय नौजवानों ने अपनी जवानी आजादी के लिए खपाई तो हम आत्मनिर्भर भारत के लिए जीना सीख सकते हैं, जी करके दिखा सकते हैं। आज हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद ही एक आंदोलन बन जाना है, एक आंदोलन का सिपाही बनना है, एक आंदोलन का नेतृत्व करना है। आज हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए हर हिंदुस्तानी को और खास करके मेरे नौजवान साथियों, आपसे मेरी अपेक्षा है, हमें अपने आप को खपाना है। आज का भारत परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। आपके पास वर्तमान के साथ ही भविष्य के भारत का निर्माण करने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचिए कैसे गोल्डन पीरियड में हैं आप, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष 2022 में हो रहे हैं और भारत की आजादी के 100 साल 1947 में हो रहे हैं, मतलब कि ये 25 साल आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल है। देश के 25 महत्वपूर्ण साल और आपके 25 महत्वपूर्ण वर्ष एक साथ है, इन ट्यून है। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलेगा जो आपको मिला है। आप देखिए, जीवन में वही लोग सफल होते हैं, वही लोग कुछ कर दिखाते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होता है। सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत, उसकी कुंजी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कभी बारीकी से आप देखोगे, जो विफल होते हैं उनके जीवन की तरफ देखोगे, आपके दोस्तों की तरफ देखोगे, तो उसका कारण हो उनके मन में हमेशा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय सेंस ऑफ बर्डन, इसके बोझ के नीचे दबे हुए रहते हैं। यार क्या करूं, एग्जाम आ रही है, यार क्या करूं, जल्दी जाना, हर बार बर्डन, हर बार बर्डन। देखिए दोस्तों, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव व्यक्ति के जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देता है। उसको रास्ते में कभी रुकावट नहीं, बल्कि अवसर ही अवसर दिखते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति के पर्पज ऑफ लाइफ के साथ ट्यून्ड हो, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पज ऑफ लाइफ दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने भीतर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर बनाए रखिएगा। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए हो, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो। आज देश अनेक सेक्टर्स में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, इच्छाओं के अंबार से संकल्प की शक्ति अपरंपार होती है। करने को बहुत कुछ है, देश के लिए
पाने को बहुत कुछ है, पर आपका संकल्प, आपके लक्ष्य फ्रेगमेंटेड नहीं होने चाहिए, टुकड़ों में बिखरे पड़े नहीं होने चाहिए। आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, आप खुद में एनर्जी का एक विशाल भंडार भी महसूस करेंगे। आपके भीतर का जो एनर्जी का पूल है वो आपको दौड़ाएगा, नए नए आइडिया देगा, नई ऊंचाई पर ले पहुंचाएगा। और एक बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आज हम जो भी हैं, जहां भी पहुंचे हैं, थोड़ा मन को पूछ लेना, क्या इसलिए आप पहुंचे हैं कि आप अच्छे मार्क्स ले आए थे? क्या इसलिए पहुंचे हैं कि आपके मां बाप के पास पैसे बहुत थे? क्या इसलिए पहुंचे हैं कि आपके पास प्रतिभा थी? ठीक है, इन सारी बातों का योगदान होगा, लेकिन अगर ये सोच है तो ये सोच बहुत अधूरी है। आज हम जहां भी हैं, जो भी है, हमसे ज्यादा हमारे अगल बगल के लोगों का योगदान है, समाज का योगदान है, देश का योगदान है, देश के गरीब से गरीब का योगदान है, तब जाकर मैं आज यहां पहुंचा हूं। कभी कभी हमें इसका एहसास ही नहीं होता है। आज भी जिस यूनिवर्सिटी में, उसे बनाने में कितने ही मजदूर भाई बहनों ने अपना पसीना बनाया होगा, कितने ही मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपना टैक्स दिया होगा, तब जाकर के ये यूनिवर्सिटी बनी होगी, इस यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई होगी। ऐसे कई लोग होंगे जिनके नाम का आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन उनका भी आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ योगदान है। हमें हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि हम उन लोगों के भी ऋणी हैं, हम पर उनका भी कर्ज है। हमें समाज ने, देश ने यहां तक पहुंचाया है, इसलिए हमें भी संकल्प लेना होगा कि हम भी, देश को का जो ऋण हम पर है, उस ऋण को मैं उतारूंगा, मैं उसे समाज को वापस करूंगा। साथियों, मानव जीवन के लिए गति और प्रगति अनिवार्य है, साथ साथ हमें भावी पीढ़ी के लिए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे क्लीन एनर्जी उज्जवल भविष्य की एक आशा है, जैसे भविष्य के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, विकास के लिए क्लीन एनर्जी की बात होती है, वैसे ही जीवन में भी दो बातें जरूरी है। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, अपने अनुभव से बताता हूं। दो बातें बहुत जरूरी है, एक क्लीन स्लेट और दूसरा क्लीन हार्ट। हम अक्सर सुनते हैं, आप भी बोलते होंगे, आप भी सुनते हैं, छोड़ो यार ये तो ऐसा ही है, छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, अरे यार अपना क्या है, चलो एडजस्ट कर लो, चलो चलते चलो। कई बार लोग बोलते हैं कि देश में ये सब ऐसे ही चलेगा, हमारे यहां तो ऐसे ही होता रहा है। अरे भाई यही तो अपनी परंपरा है, ऐसे ही होना है। साथियों, ये सारी बातें हारे हुए मन की बातें हुई है, ये टूटे हुए मन की बातें होती है। एक प्रकार से जिसको जंग लग गया, ऐसे मस्तिष्क से बातें होती है। ये सारी बातें
कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में चिपक जाती है, वो इसी अप्रोच के साथ हर काम करते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, 21वीं सदी का जो युवा है, उसको एक क्लीन स्लेट के साथ, पूरी तरह क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये जो पत्थर की लकीर बनी हुई है कि कुछ बदलेगा नहीं, उस लकीर को क्लीन करना होगा, इसलिए क्लीन सेट। उसी प्रकार से क्लीन हार्ट, इसका अर्थ मुझे नहीं समझाना पड़ेगा। क्लीन हार्ट का मतलब ही है साफ नियत। साथियों, जब आप प्री कंसीव नोशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी नई चीज के लिए दरवाजे आप खुद ही बंद कर देते हैं। साथियों, अभी से 20 साल पहले का समय था जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था। अनेक चुनौतियां थी, अनेक स्तर पर काम हो रहा था। अब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना, मैं पहले दिल्ली में रहता था, अचानक मुझे गुजरात आना पड़ा। मेरे पास रहने के लिए तो कोई जगह नहीं थी, तो गांधीनगर के सर्किट हाउस में मैंने कमरा बुक कर लिया। अभी शपथ होना बाकी था, लेकिन तय हो चुका था मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। तो स्वाभाविक है, लोग गुलदस्ते लेकर के आ जाते हैं, मिल जाते हैं, लोग मिलने आते थे। लेकिन जो भी आते थे, वो बातचीत में अक्सर मुझे ये कहते थे कि मोदी जी, अब आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक काम जरूर कीजिए। करीब करीब 70-80% लोग यही बताए। क्या कहते थे, आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा, वो कहते थे कि मोदी जी कुछ भी कीजिए, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करिए। मैं कहता हूं, 2001 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब गुजरात के लोग मुझे मिलते थे, यही कहते थे, साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा कुछ करो ना। इससे आप सोच सकते हैं कि बिजली की क्या हालत थी उस समय। और मैं भी जिस तरह के परिवार से आता हूं, मुझे भी ये पता, अच्छी तरह पता था कि बिजली का होना और न होना कितना महत्व रखता है। मैंने सोचा कि भाई, लोगों की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? और मैं अफसरों से बात कर रहा था, चर्चाएं कर रहा था, लेकिन वही, अरे भाई ये तो ऐसे ही है, हमारे पास बिजली जितनी है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, जब ज्यादा बिजली पैदा करेंगे तब देखेंगे, ही जवाब आते थे। मैंने कहा भाई, ये गिवन सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन है क्या? अब ईश्वर कृपा से एक विचार मन में आया, स्थितियों को देखते हुए मैंने कहा भाई, एक काम कर सकते हैं क्या, जो एग्रीकल्चर फीडर है वो और जो डोमेस्टिक फीडर है, क्या हम दोनों को अलग कर सकते हैं क्या? एग्रीकल्चर, क्योंकि लोग एक ऐसी हवा बना के बैठे थे कि साहब खेती में बिजली का चोरी होता है, टिकना होता है, फलाना होता है, भांति भांति की बातें मैं सुनता था। अब मैं वैसे नया था, तो मुझे हर बात थोड़ा समझाने में भी दिक्कत भी रहती थी, क्योंकि ये बड़े बड़े बाबू लोग बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और मैं कहता था भाई, ये दो फीडर हम अलग करें तो कैसा? कोई सहमत नहीं हुआ, क्योंकि प्री कंसीव्ड नोशन था, ये नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने मुंह पे भी कह दिया कि साहब ये तो संभव नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। किसी ने आर्थिक स्थिति नहीं है, किसी ने कहा बिजली नहीं है, किसी ने कहा ये व्यवस्था कैसे है, सब चलता रहा। आप हैरान हो जाएंगे, इसके लिए जो फाइलें चली, वो फाइलों का मुझे लगता है वजन भी 5-7-10 किलो तक शायद पहुंच गया होगा। और हर बार हर अफसर नेगेटिव लिखता था, हर कोई। अब मैं लगा रहा था कि कुछ करना है मुझे। इसके बाद मैंने एक सेकंड ऑप्शन शुरू किया कि मैंने कहा, ये अफसरों के साथ और इनके जो बनी हुई बनी है, मैं कुछ भी कहने जाऊंगा पता नहीं। तो मैंने एक उत्तर गुजरात में
एक सोसाइटी थी जिनके साथ 45 गांव जुड़े थे, उनको बुलाया। मैंने कहा भाई एक मेरा ये सपना है कि आप कर सकते हैं क्या? तो उनका साहब हमको सोचने दीजिए। मैंने कहा इंजीनियर वगैरह की मदद लीजिए, मेरी इतनी इच्छा है कि 45 गांवों में जो बिजली जाती है वहाँ मैं एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक को फीडर अलग करना चाहता हूँ। तो दोबारा आए, उन्होंने कहा साहब हमें कोई मदद की जरूरत नहीं, हमें 10 करोड़ रुपये इस पर खर्च करने की भारत सरकार गुजरात सरकार हमें मंजूरी दे दे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें थोड़ी मदद करिए। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेवारी, हमने परमिशन दिया। उन्होंने ये काम शुरू किया, मैंने इंजीनियरों को जरा आग्रह से किया भाई जरा करिए इस काम को, और उन 45 गांवों में डोमेस्टिक फीडर और एग्रीकल्चर फीडर को अलग किया। परिणाम ये आया कि खेती में जितना समय बिजली देनी थी देते थे, वो अलग टाइम था, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचने लगी। और फिर मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटियों की मदद से थोड़ा नौजवानों को भेज करके उसका जरा थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाया। आप हैरान हो जाएंगे जो इस गुजरात में रात को खाने समय बिजली मिलना भी मुश्किल था, 24 घंटे बिजली मिली, लेकिन इसके साथ एक इकोनॉमी शुरू हुई। टेलर भी अपना जो स्विंग मशीन था उसको अब पैर से नहीं इलेक्ट्रिक मशीन से चलाने लगा, धोबी भी इलेक्ट्रिक इसी उपयोग करने लगा, किचन में भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें आने लग गई, लोग एसी खरीदने लगे, पंखा खरीदने लगे, टीवी खरीदने लगे, एक जीवन बदलना शुरू हो गया। सरकार की इनकम में भी बढ़ोतरी हुई। इस प्रयोग ने हमारे सभी उस समय के अफसरों के दिमाग को बदला। आखिर का निर्णय हुआ कि ये रास्ता सही है और पूरे गुजरात में 1000 दिन का कार्यक्रम बनाया। 1000 दिन में एग्रीकल्चर फीडर और डोमेस्टिक फीडर अलग किए जाएंगे और 1000 दिन के भीतर भीतर सारे गुजरात में 24 घंटे घरों में बिजली पहुंचना संभव हुआ। अगर मैंने वो प्री कंसीव नोशन को पकड़ा होता तो ये नहीं होता। क्लीन सेट स्लेट था मेरा, नए सिरे से मैं सोचता था और उसी का परिणाम हुआ। साथियों एक बात मान के चलिए, रिस्ट्रिक्शन डू नॉट मैटर, योर रिस्पॉन्स मैटर्स। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, ये मैं कोई अपनी वाहवाही करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी ध्यान में आता है कि हम किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं। गुजरात पहला राज्य था जिसने अपने स्तर पर सोलार पॉलिसी बनाई थी। तब ये बात आई थी कि सोलार बिजली की कीमत प्रति यूनिट 12-13 रुपया तक जाएगी। ये कीमत उस समय के हिसाब से बहुत कम थी क्योंकि थर्मल की जो बिजली थी वो 2-2.5-3 रुपये तक मिल जाती थी। वही बिजली अगर 13 रुपया, अब आप जानते हैं आजकल जिस प्रकार से हो हल्ला करने की फैशन है, हर चीज में नुक्स निकालने की फैशन है, उस समय तो और मेरे लिए तो बड़ी परेशानियां रहती थी। अब मेरे सामने विषय आया कि साहब ये तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा, कहाँ 2-3 रुपये वाली बिजली और कहाँ 12-13 रुपये बिजली वाले हैं। लेकिन साथियों मेरे सामने एक ऐसा पल था कि मुझे मेरी प्रतिष्ठा की चिंता करनी कि मेरे भावी पीढ़ी की चिंता करना। मुझे मालूम था कि ये इस प्रकार के निर्णय की मीडिया में बहुत धुलाई होगी, भांति भांति के करप्शन के आरोप लगेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं क्लीन हार्ट था। मैं जेन्युइनली मानता था कि हमें कुछ न कुछ तो लाइफस्टाइल बदलने के लिए करना पड़ेगा। आखिरकार हमने फैसला लिया, सोलार एनर्जी की तरफ जाने का फैसला लिया और हमने ईमानदारी के साथ ये निर्णय किया, उज्जवल भविष्य के लिए किया, एक विजन के साथ किया। गुजरात में सोलार प्लांट की शुरुआत हुई, बहुत बड़ी मात्रा में हुई, लेकिन उसी समय जब गुजरात ने पॉलिसी बनाई तो भारत सरकार ने भी फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही पॉलिसी उस समय बनाई।
जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, आपको मालूम है वहाँ दिल्ली में किसकी सरकार थी, उन्होंने बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18-19 रुपया दाम तय किया। अब हमारे अफसर आए, बोले साहब ये हम 12-13 देंगे, ये 18-19 देंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं 12-13 पर ही टिका रहूँगा, 18-19 की मैं देने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, स्पीड करेंगे, दुनिया हमारे यहाँ आएगी, एक अच्छे गवर्नेंस के मॉडल के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आज देख रहे हैं आप कि गुजरात ने जो सोलार का इनिशिएटिव लिया, आज गुजरात सोलर पावर जनरेशन में कहाँ पहुँचा है वो आपके सामने साक्षी हैं। और आप स्वयं यूनिवर्सिटी आज एक काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। जो 12-13 रुपये से शुरू हुआ था वो पूरे देश में सोलार एक मूवमेंट बन गया। और यहाँ आने के बाद तो मैंने इंटरनेशनल सोलार अलायंस ऐसा एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसमें दुनिया के करीब 80-85 देश उसके मेंबर बन गए हैं और पूरे दुनिया में मूवमेंट का कारण बन गए हैं। लेकिन ये कन्विक्शन, क्लीन हार्ट के साथ कन्विक्शन, उसका ये परिणाम है कि आज हिंदुस्तान सोलार के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रति यूनिट कीमत 12-13 से कम होकर के 2 रुपये से भी कम पहुंच गई है। आज देश की भी एक प्रमुख प्राथमिकता सोलर पावर बन गया है। और हमने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए निर्णय संकल्प किया हुआ है और मुझे विश्वास है कि हम 2022 के पहले इसको पूरा कर लेंगे। और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा लक्ष्य है 450 गीगावाट, बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये भी समय से पहले पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। देयर इज नो सच थिंग एट कैन नॉट हैपन, देयर इज आइदर आई विल मेक इट हैपन और आई विल नॉट मेक इट हैपन। ये विश्वास आपको हमेशा काम आएगा। साथियों, बदलाव चाहे खुद में करना हो या दुनिया में करना हो, बदलाव कभी एक दिन, एक हफ्ते या एक साल में नहीं होता। बदलाव के लिए थोड़ा ही प्रयास, लेकिन थोड़ा थोड़ा निरंतर प्रयास, लगातार सस्टेन हमें हर दिन करता पड़ता है। नियमित होकर किए गए छोटे छोटे काम बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। अब जैसे कि आप अगर हर दिन कम से कम 20 मिनट कुछ नया पढ़ने का या सीखने की आदत डाल सकते हैं, इसी तरह आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ना हर दिन 20 मिनट कुछ नया सीखने के लिए डेडिकेट किए जाए। एक दिन में अगर आप देखोगे तो ये केवल 20 मिनट की ही बात होगी, लेकिन यही 20 मिनट एक साल में 120 घंटे बराबर हो जाएंगे। ये 120 घंटों का प्रयास आपके भीतर कितना बड़ा बदलाव कर देगा, ये महसूस करके आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। साथियों, आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जब किसी टीम को बहुत बड़ा टारगेट चेज करना होता है तो वो ये नहीं सोचती कि उसे टोटल कितने रन बनाने हैं, बैट्समैन ये सोचते हैं कि उसे हर ओवर में कितने रन बनाने चाहिए। यही मंत्र फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बहुत लोग लेकर चलते हैं। हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं और 2 साल में 1,00,000 से ज्यादा रुपये इकट्ठा कर हो जाता है। इसी तरह से सतत प्रयास, सस्टेन एफर्ट्स आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज बिल्ड कर देते हैं जिसका असर शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत बड़ी आपकी अमानत बन जाता है, बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जब देश भी ऐसे ही सस्टेन एफर्ट्स के साथ चलता है तो उसके भी ऐसे ही परिणाम होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को ही लीजिए। हम सफाई के बारे में केवल गांधी जयंती पर, केवल अक्टूबर में ही नहीं होते, लेकिन हम हर दिन इसके लिए प्रयास करते हैं। मैंने भी 2014 से लेकर 2019 के बीच लगभग मन की बात में हर कार्यक्रम में
सफाई को लेकर लगातार देशवासियों से चर्चा की है, बातचीत की है, उनसे आग्रह भी किया है। हर बार अलग अलग मुद्दों पर बात, थोड़ी थोड़ी बात होती रही, लेकिन लाखों करोड़ लोगों के छोटे छोटे प्रयासों से स्वच्छ भारत एक जन आंदोलन बन गया। सस्टेन एफर्ट्स का यही प्रभाव होता है, ऐसे ही परिणाम आते हैं। साथियों, 21वीं सदी में दुनिया की आशाएं और अपेक्षाएं भारत से हैं, और भारत की आशा और अपेक्षा आपके साथ जुड़ी है। मैं फिर कहता हूं, आपके साथ जुड़ी है। हमें तेज गति से चलना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का विजन दिया, नेशन फर्स्ट के जिन सिद्धांतों को लेकर के वो चले, हमें मिलकर उन्हें और मजबूत करना है। हमारा हर काम राष्ट्र के काम हो, इसी भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो